हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब के चैनल चलबो छत्तीसगढ़ में। और दोस्तों, मैं हूं अभी पावर हाउस के लाल मैदान पर, जहां पर बनाया गया है परी लोक। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या कुछ खास है इस पंडाल के अंदर में। तो कंटिन्यू वॉच करते रहिए मेरे साथ वीडियो को दोस्तों। सो गाइस, ये सामने आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े यहाँ पर उल्लू को बनाया गया है, जिसे आप देख रहे हो। और माता लक्ष्मी के वाहन होते हैं उल्लू, सफ़ेद वाले। और ये सामने देख सकते हैं किस तरह से भव्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। और रात को जब लाइट डेकोरेशन होगा ना, तो और ज़बरदस्त यहाँ पर दिखेगा दोस्तों। सो गाइस, प्रवेश द्वार यहाँ से है और यहाँ से अपने को प्रवेश करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर पंडाल पर आएंगे ना, तो कुछ इस तरह से यहाँ से प्रवेश द्वार है। और प्रवेश द्वार से होते हुए आपको अंदर प्रवेश करना होगा दोस्तों, देखिए। और ये यहाँ से ऐसे घुसना होगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पर सुरंगनुमा आकृति बनाया गया है, जिसे आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों मैं। सो गाइस, कुछ इस तरह से पंडाल आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे ना, तो कुछ इस तरह से आपको पंडाल देखने को मिलेगा। अभी लाइट डेकोरेशन नहीं है तो उतना मज़ा नहीं आ रहा है, फिर जब लाइट होगा ना। और ऊपर देखिए, परी को देखिए दोस्तों, आप परी लोक में परी के दर्शन करिए। ये देखिए, कुछ इस तरह से परी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। और घोड़ों को देखिए दोस्तों, कितना मस्त यहाँ पर घोड़े दिख रहे हैं। और जस्ट ऊपर आप देखेंगे ना, ये देखिए किस तरह से परी को बनाया गया, जिसे आपको देखने को मिलेगा। खाली जगह यहाँ पर भी पेड़ पौधे वगैरह जो है वो लगाया जाएगा। और पंडाल पर आप देख रहे हो ना, कितना मस्त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से यहाँ पर परियों को रखा गया है, जिसे आप देख रहे हो दोस्तों। आप वहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे ना, देख लीजिए लड़के खड़े वहाँ पर। वहाँ से प्रवेश करते ही आप इधर से ऐसे ये होते हुए, आपको ऐसे होते हुए यहाँ से आना है। और इस तरह से परियों के आपको दर्शन यहाँ पर होंगे, ये देखिए। और यहाँ से जैसे ही आप अंदर आएंगे, तो आपको माता के दर्शन करने को मिलेगा दोस्तों। सो गाइस, सामने आप जो फ्लावर देख रहे हो ना, ये पूरी तरह से कागज़ से बना हुआ है और कंप्लीट इको फ्रेंडली ये पंडाल है, जिसे आपको मैं दिखा रहा हूँ। और जब आप यहाँ पर आएंगे ना, तो आपको सच में अनुभव होगा कि आप किसी इंद्र के परी लोक पर आ चुके हैं। और कुछ इस तरह से पंडाल है, देखिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे घोड़े और ये परी अप्सराएं जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और वहाँ पे माता दुर्गा जी को भी लाया जा चुका है, जिसे आप देख पा रहे हो दोस्तों। और ये ऊपर आप देख रहे हो, ये मुख्य गर्भगृह है, जहाँ पर ये अप्सराएं हैं जिन्हें आप देख रहे हो। दो अप्सराओं को यहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों, जिसे आप देख पा रहे हो। और गाइस, ये देख सकते हो सामने आप माता दुर्गा जी को। और यहाँ पर किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। और जैसे ही आप पंडाल के अंदर आएंगे ना, तो आपको ये जो बांस दिख रहे हैं, बांस के आपको उस तरफ से ही चलकर जाना होगा, जिसे आप देख पाओगे दोस्तों। सो गाइस, ये पंडाल में ना, आप वहाँ पर एक होल देख रहे हो, वहाँ से आप बाहर से पंडाल से ना डायरेक्ट आप मैया जी के जो हैं दर्शन कर सकते हैं सामने, जिसे आप देख पा रहे हो दोस्तों अभी। सो गाइस, मैं हूँ अभी पंडाल के अंदर में। और इस भव्य पंडाल पर एक बार आप ज़रूर पधारिए। और जब आप यहाँ पर आएंगे ना, तो आपको सच में अनुभव होगा कि आप सच में परी लोक पर पधार चुके हैं। तो कंटिन्यू मेरे साथ अभी वॉच करते रहिए, वीडियो में बहुत कुछ दिखाना बाकी है दोस्तों। गाइस, मेरे सामने हैं अभी विजय जी, और ये महामंत्री हैं इस पंडाल के। और इनसे करते हैं कुछ बात पंडाल के विषय में। तो आपको पंडाल ये वाला बनाने का प्रेरणा कहाँ से मिला? ये प्रेरणा नहीं है, एक कलाकार की कल्पना है। और इंद्रलोक की परी, देवराज इंद्र की 11 अप्सराएं थी। अच्छा। जो उनकी सेविका थी। हाँ हाँ हाँ। 11 अप्सराएं सेविका थी। अच्छा। इसमें रंभा, मोनिका, कृतिका, इस तरह से 11 अप्सराएं थी जो उनकी सेवा करती थी। लगभग हाइट कितनी होगी इस पंडाल की, चौड़ाई लंबाई क्या है? हाइट लगभग 70 फीट है। अच्छा। और चौड़ाई 120 फीट है। और लगली कुछ है, आप संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए? ये है कि आप एक बार इस पंडाल में अवश्य आइए। आप छत्तीसगढ़ के देश के किसी भी कोने में हैं, यदि आप नवरात्रि उत्सव में माँ भगवती का दर्शन करने जा रहे हैं और लाल मैदान पावर हाउस की दुर्गा जी को यदि आपने नहीं देखा, तो समझिए आपका दुर्गोत्सव अधूरा है। घोड़ों को देखिए दोस्तों, कितना मस्त यहाँ पर घोड़े दिख रहे हैं। और जस्ट ऊपर आप देखेंगे ना, ये देखिए किस तरह से परी को बनाया गया, जिसे आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस, वीडियो करता हूँ मैं यहीं पर समाप्त। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अभी यहाँ के पश्चात अभी अपन दोस्तों जाने वाले हैं, अभी अपन जाने वाले हैं दोस्तों सेक्टर 7 में, जहाँ पर भी कुछ इस तरह से परी लोग जैसा कुछ बनाया गया है। सपनों की दुनिया है शायद, तो वहाँ पर चलते हैं। और क्या कुछ खास है वहाँ पर, उसको भी मैं आपको
दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों।